इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। भोपाल से आ रही है बड़ी खबर। भोपाल में सीएम शिवराज देंगे बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी भोपाल से आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग विदिशा को सौगात देते हुए नजर आएंगे। बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण भी देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राहत राशि का वितरण कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल वासियों को देंगे बड़ी सौगात। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से आ रही है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल वासियों को देंगे बड़ी सौगात। ग्वालियर चंबल संभाग विदिशा को देते हुए नजर आएंगे बड़ी सौगात। बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण भी देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राहत राशि का वितरण कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल वासियों को सौगात देंगे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से संवाद करते हुए भी नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर चंबल संभाग विदिशा को देख के बड़ी सौगात। बड़ी जानकारी सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण भी देते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राहत राशि का वितरण कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से बड़ी जानकारी, भोपाल से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह का भोपाल वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग विदिशा को बड़ी सौगात जल्द ही मिलने वाली है। बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण देते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। राहत राशि का वितरण कर बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह जल्द ही भोपाल वासियों को बड़ी सौगात देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग विदिशा को ये सौगात जल्द ही मिलेगी। बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण लेते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वितरण के साथ साथ वे बाढ़ पीड़ितों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या अपडेट है, किस तरह के सौगात लोगों को मिल सकते हैं जल्द ही? बिल्कुल, कुछ समय पहले ये देखा गया था कि ग्वालियर चंबल में जो है तेज बारिश और बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों और विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि का वितरण करेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग एवं विदिशा जिले में बात की जाए तो अतिवृष्टि, काफी तेज बारिश, बाढ़ की स्थिति बनी थी, जिससे कई बड़े बड़े पुल जो है वो ढह चुके थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावित तरीके से संचालित कर नागरिकों की जान बचाई थी। स्वयं भी जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए और प्रभावितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का जायजा लिया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ऐसी स्थिति में हजारों लोग फंसे थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि जल्द से जल्द जिनके मकान ढह हैं, जिनकी फसलें नष्ट हुई है, उनको सरकार की तरफ से मुआवजे की राशि दी जाएगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है मध्य सरकार की मदद की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग के जिले के जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको राहत की राशि वितरण करेंगे। जी कुलभूषण जी, साथ ही उनसे संवाद भी करते हुए नजर आएंगे शिवराज सिंह चौहान। ये ऑनलाइन पूरा ये कार्यक्रम रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रभावित है, हितग्राही है, वो जुड़ेंगे। यहाँ पे उनकी समस्या भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुनते हुए नजर आएंगे कि बाढ़ अब बारिश समाप्त हो चुकी है, बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है, तो क्या किन स्थितियों से वो निपट रहे हैं, प्रशासन उनकी किस प्रकार से मदद कर रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभावितों से चर्चा भी करेंगे। जी कुलभूषण जी, आप हमारे साथ बने रहेगा।